नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे गुजरात में स्थित एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा के बारे में। तो चलिए जानते हैं सापुतारा में घूमने लायक 10 सबसे लोकप्रिय जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है नागेश्वर महादेव। नागेश्वर महादेव सापुतारा का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव की सांपों के देवता के रूप में पूजा होती है। हर रोज यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का यहाँ विशेष महत्व है। यह मंदिर सापुतारा जिले के पास में ही स्थित है। नंबर 9 पर है लेक गार्डन। यह गार्डन सापुतारा झील के किनारे बना हुआ है और इसीलिए इस जगह को लेक व्यू गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह सापुतारा में स्थित सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट में से एक गिनी जाती है। हरे भरे लॉन से ढका हुआ यह गार्डन सापुतारा झील का शानदार परिदृश्य प्रदान करता है। इस जगह को विजिट करने के लिए शाम का टाइम सबसे बेस्ट है। नंबर 8 पर है सापुतारा म्यूजियम। सापुतारा में टांग नामक जनजातीय लोगों की आबादी काफी अधिक है और सापुतारा में स्थित यह म्यूजियम उन्हें और उनकी जीवन शैली को समर्पित है। यहाँ पर उनके नृत्य, वेशभूषा, जीवन शैली से संबंधित बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। छुट्टियों के दौरान यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। नंबर 7 पर है स्टेप गार्डन। स्टेप गार्डन सापुतारा में स्थित एक लोकप्रिय बाग है जहाँ पर 20 से 25 स्टेप्स और उन पर फूलों की कई प्रजाति देख सकते हैं। यहाँ से वैली के सुंदर नजारों को देखा जा सकता है और इसीलिए यह जगह फोटोग्राफी के लिए काफी आदर्श मानी जाती है। पर्यटकों के लिए यह बाग सुबह 8 से 12 और शाम के 3 से 7 खुला रहता है और साथ ही में यहाँ पर हर मंगलवार को छुट्टी रहती है। नंबर 6 पर है सापुतारा पैराग्लाइडिंग। सापुतारा में एडवेंचर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी शुरू की गई है। पैराग्लाइडिंग की यह साइट सापुतारा में जैन मंदिर के पास सनसेट पॉइंट रोड पर स्थित है। यह साइट सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का 2 से 2500 पर पर्सन चार्ज रहता है। इसके साथ साथ हर साल यहाँ पर पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नंबर 5 पर है टाउन व्यू पॉइंट। टाउन व्यू पॉइंट सापुतारा में स्थित सबसे ऊंची जगह है जो पूरे सापुतारा का शानदार परिदृश्य प्रदान करती है। इस जगह को गवर्नर हिल्स और टेबल टॉप पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह सापुतारा में एडवेंचर एक्टिविटी के लिए काफी जानी जाती है जहां पर पर्यटक कैमल राइडिंग, बाइक राइडिंग और हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर 4 पर है पूर्णा अभ्यारण। यह अभ्यारण सापुतारा के कई खूबसूरत उद्यानों में से एक है जो 160 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही साथ यह गुजरात का सबसे घना जंगल है जहां पर पर्यटक हाथी, गेंडा और भालू जैसे कई प्राणी को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर 700 से भी अधिक पौधों की प्रजाति देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर 3 पर है सनसेट पॉइंट। शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह सापुतारा म्यूजियम के पास में ही स्थित है। इस जगह को गांधी शिखर या गांधी पीक के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटकों को यहां से सनसेट का शानदार व्यू मिलता है
इसके साथ साथ यहाँ खड़े रह के आसपास के जंगल और छोटे बड़े गाँव को देखा जा सकता है। पर्यटक यहाँ पर रोपवे से पहुंच सकते हैं। नंबर दो पर है घीरा वाटरफॉल। तकरीबन 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ यह वाटरफॉल घीरा रिवर पर बना हुआ है, जो आगे जाके अंबिका नदी में मिल जाता है। यह एक सीजनल वाटरफॉल है जो वागई से 3 किलोमीटर और सापुतारा शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बारिश के टाइम पे यह वाटरफॉल अपने फुल फ्लो में बहता है और तब इस जगह की खूबसूरती देखने को ही बनती है। और नंबर वन पर है सापुतारा झील। सापुतारा की यह झील इस हिल स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यह झील सापुतारा शहर के बीच में स्थित है, जो अपने शांत और खुशनुमा माहौल के लिए काफी लोकप्रिय है। पर्यटक यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए बोटिंग भी कर सकते हैं।